ओके चलो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कुछ लिखना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ साइड में रख दो, सामने ध्यान दो, सिर्फ सामने ध्यान दो। मुझे बताओ, दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी चीज जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सोचो थोड़ा सा, अभी तक हमने देखा हुआ है, क्या बोल रहा हूं मैं, दुनिया में या दुनिया की कोई भी चीज, इसको हम मैथ्स में किस नाम से जानते हैं? दुनिया की कोई भी चीज है ना, तो एनीथिंग एनीथिंग, कोई भी चीज, दैट मींस एनीथिंग, जो लोग इंग्लिश में देख रहे हैं, बी इट एनीथिंग एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, इस चीज को हम मैथमेटिक्स में किस नाम से जानते हैं? इस चीज को मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। अभी तक ये वर्ड हमने काफी बार रिफर किया है, ऑब्जेक्ट, या जैसे कि हमने एलिमेंट के बारे में बात की थी, ठीक है? सो ऑब्जेक्ट जो वर्ड है, ये ऑब्जेक्ट इज वॉट, ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फ्यू थिंग्स, यू कैन से, समझ रहे हो बात को? तो दुनिया की कोई भी चीज हो, इस चीज को मैथमेटिक्स में जब हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स उसका रिलीवेंस बताते हैं, उस चीज को मैथमेटिक्स में इंक्लूड करते हैं, वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट्स, राइट? बी इट पीपल, सो देयर आर 10 पीपल, सो देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स फॉर अस। बी इट लाइक, देयर आर 10 वाटर बॉटल्स, सो देयर आर 10 ऑब्जेक्ट्स फॉर अस, समझ रहे हो बात को? बी इट देयर आर 2 बुक्स, सो ये जो दो बुक्स है, ये क्या है? ये दो ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, समझ रहे हो बात को? हाँ, है ना? यस। अब ये जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स का जब हम कलेक्शन निकालते हैं, कलेक्शन एज टू वेदर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड और नॉट, अगर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड और नॉट, मतलब इन शॉर्ट इस ऑब्जेक्ट्स का, ऐसे एक ऑब्जेक्ट, दो तीन चार पांच, ऐसे सब ऑब्जेक्ट्स मिलाकर हम उनका कलेक्शन निकाल रहे हैं। और ये जो कलेक्शन हो रहा है, ये कलेक्शन किस चीज का हो रहा है? ऑब्जेक्ट्स का हो रहा है। अब यहीं पे मैं बोलता हूं, ये कलेक्शन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट्स का, ये वाले ऑब्जेक्ट्स जो है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। समझ रहे हो? ये ऑब्जेक्ट्स जो है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग है। जब मैं 10 वाटर बॉटल्स बोल रहा हूं, तो एक वाटर बॉटल को मैं अलग निकाल सकता हूं, दूसरे को अलग, तीसरे को अलग, फोर्थ को अलग, फिफ्थ को अलग, सिक्स्थ को अलग, सेवन्थ को अलग, एट्थ को अलग, नाइन्थ को अलग, टेंथ को अलग, अलग अलग दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स सब है मेरे सामने, राइट? एंड इन शॉर्ट, इसी चीज के कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट, SET, सेट, समझ रहे हो? तो वॉट डू यू मीन बाय सेट? अ सेट इज सिंपली नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलता है? ये कलेक्शन है किस चीज का? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमने कलेक्शन वर्ड देखा, वेल डिफाइंड पता है आपको, डिस्टिंक्ट पता है, और ऑब्जेक्ट्स पता है। ऐसे करके चार वर्ड्स मिला के ये सेट बनता है। सो दुनिया की कोई भी चीज हो, इसको मैथमेटिक्स में अगर रिप्रेजेंट करना है, बोलना है, तो हम ऑब्जेक्ट के नाम से बोलेंगे। और ऐसे ही अलग अलग दिखने वाले, यानी कि अलग अलग चुने जाने वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और जो वेल डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यार ये ऑब्जेक्ट, ये चीज है, इसके कलेक्शन को हम बोलते हैं SET, सेट। ठीक है, चीज समझ में आई है यहां तक? टाइटल देना चैप्टर का, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। मेरे ख्याल से सिर्फ टाइटल दो, सेट्स, SETS, सेट्स, राइट? रिलेशंस फंक्शंस मत लिखो, इस चीज को छाप लो, गो फॉर इट फर्स्ट। चीज क्लियर है? सेट क्या होता है? यस,
रिपीट करता हूँ निकिता एक बार इसको, डोंट वरी, पहले आप लिख लो। चीजें क्लियर है हाँ या ना? यस। चलो एक बार रिपीट करता हूं, रिवाइज करवाता हूं, ध्यान देना। दुनिया में जो भी चीज हो, इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती है, हर चीज को मैथमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। और यही ऑब्जेक्ट जब एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो, यानी कि हम बता रहे कि यार ऑब्जेक्ट किस चीज का है, किस तरह का है, क्या चीज है, और ये डिस्टिंक्ट हो, यानी कि हम उसको अलग से देख पा रहे, अलग से निकाल पा रहे एक ऑब्जर्वेशन के लिए, राइट, इसके ही कलेक्शन को हम बोलते हैं SET सेट। समझ रहे बात को? यस। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सेट्स, दीज सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, जब मैं इस सेट की बात करता हूं, इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर्स, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सर ये क्या, नहीं समझा। सपोज ए एक सेट है, सपोज ए इज अ सेट, तो ये सेट ए, कैपिटल ए, ये एक सेट है, इसके अंदर जो भी होगा हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स जो भी है। बी इज अ सेट, इसके अंदर 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स, राइट। अब इस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। तो से फॉर एग्जांपल, ए इज अ सेट जिसके अंदर ए ई आई ओ यू ऐसे ऑब्जेक्ट्स है या ऐसे एलिमेंट्स है। ध्यान देना, एलिमेंट्स और हमने मैट्रिक्स में भी देखा हुआ था। तो ईच एंड एवरी, ना यहाँ पे एक पांच ऑब्जेक्ट्स है ए वाले सेट में, राइट। ए इज अ सेट, कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है, इसमें पांच ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि पांच एलिमेंट्स है, ए ई आई ओ यू, उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। चलो इसको लिख लो, गो फॉर इट फास्ट। निकिता चीज क्लियर है अभी तक? हाँ ना? डन। नया टॉपिक है, आराम से समझो, आराम से चीज करो, कोई यू कैन से गड़बड़ करने की बात नहीं है, ठीक है। चलो ध्यान देना, सामने लिखना कुछ भी मत, सिर्फ सामने ध्यान दो। अब ये जो सेट होता है, इस सेट को अलग अलग फॉर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है। इस सेट को एक्सप्रेस करने का जो फॉर्म होता है, अलग अलग फॉर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है, और यही फॉर्म्स के बारे में हम बात करेंगे अभी। लाइक से नंबर वन,
नंबर वन है रोस्टर और ब्रेसिस फॉर्म, लिखना मत, ध्यान देना, लिखने का टाइम दूंगा मैं, राइट। ये फॉर्म कैसा होता है, लाइक सेट ए इज अ सेट जिसमें एलिमेंट्स है ए आई ओ यू। ये देखो जो ब्रैकेट्स है यहाँ पे, इसमें जो ब्रैकेट्स है ये ब्रैकेट्स कौन से, ब्रेसेस वाले ब्रैकेट्स है। सी ये होते हैं सर्कुलर ब्रैकेट्स, ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये जो होता है ये होते हैं ब्रेसेस ब्रैकेट्स। तो यहां से इस वर्ड ब्रेसेस को उठाया गया है, राइट। और रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म यानी कि क्या, डायरेक्ट नॉर्मली इसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम बताते हैं। जब मैं रोस्टर वर्ड की बात करता हूं, रोस्टर इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। तो ये इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम एक सेट को उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स है उसको हम लिस्ट आउट करते हैं, बस दैट्स इट। हम सिर्फ उनको लिस्ट आउट कर रहे थे, उसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर या ब्रेसिस फॉर्म। नंबर टू अगर मैं बात करता हूं, ध्यान देना सामने, नंबर टू अगर मैं बात करता हूं, ये है प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म और एलजेब्रिक फॉर्म, और इसको हम रूल मेथड भी बोलते हैं। सर इतने नाम, हाँ। हालांकि इसको यूजुअली सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से आपने अभी तक स्कूल में भी इसको पढ़ा होगा या कॉलेज में, जो भी होगा, राइट। अब ये सर सेट बिल्डर क्यों है, बिकॉज हम इससे सेट को बिल्ड करते हैं। व्हाई, बिकॉज सी सिंपली स्पीकिंग अगर मैं बात करूं, आप अगर नाम देखो प्रॉपर्टी है, नीचे रूल मेथड है, यानी कि यहां पे हम एक रूल बता रहे हैं, उस रूल के थ्रू सेट बन रहा है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बिल्ड करने वाला जो फॉर्म है उसको हम बता रहे हैं यहाँ पे। सर एग्जैक्टली नहीं समझा क्या होता है ये, ध्यान दो सामने समझाता हूं, मैं सेट बिल्डर समझा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सपोज बी इज अ सेट, बी इज द सेट ऑफ से इवन नंबर्स, इवन नंबर्स बिटवीन टू एंड टेन बोथ इंक्लूसिव, या फिर इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये कुलन को क्या बोलते हैं, सच दैट एक्स इज इक्वल टू टू एम एंड एम बींग एन इंटीजर लाइंग इन द इंटरवल m इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 6। यहां पे ये जो होता है इसको हम बोलते हैं सच दैट, मतलब b के अंदर, b एक सेट है जिसके अंदर x है, ये एलिमेंट है, और ये हर एलिमेंट 2 इंटू एम होगा, और जो m होगा ये एक इंटीजर होगा जो लाई करेगा 0 से लेके 6 के बीच में, राइट। बोथ एक्सक्लूसिव हो गया यहाँ पे, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे सेट्स को डिफाइन करते हैं, राइट। यहां तक चीज क्लियर है, मतलब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली स्पीकिंग हमने यहां पे अगर देखा डायरेक्ट सेट को लिस्ट किया हुआ है, और यहां पे अगर हमने देखा तो यहां पे हमने एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उस प्रॉपर्टी से सेट को बनाया हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। चलो फटाफट लिख लो, फ्रेश पेज पर लिखना अच्छे से, गो फॉर इट फास्ट। यस, ए इज अ सेट, अदर्स आर एलिमेंट,
डन, चीजें क्लियर है? हाँ या ना? चलो मुझे बताओ, सपोज एक सेट है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे? से फॉर एग्जांपल, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मुझे बताओ, जब मैं नेचुरल नंबर्स बोलता हूं, ये कुछ भी हो सकता है, यस, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्या ये इनफाइनाइट हो गया? यस। जब मैं ये यहां पे लिख रहा हूं, इसका मतलब ये क्या हो गया? इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो गए यहां पे। ठीक है, चलो फटाफट लिख लो उस चीज को। जब सेट को मैं इनफाइनाइट एलिमेंट्स की बात करता हूं, राइट, जिनका ये हो गया है, नेक्स्ट टाइटल देना काम की बात। टाइटल है ना काम की बात। टाइटल है ना काम की बात, नंबर वन। ध्यान दो, लिखने का टाइम दूंगा मैं आप लोगों को। यस, काम की बात लिखो, सिर्फ टाइटल दो, बुक को साइड में रख दो, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान दो सिर्फ। व्हेन ए इज इक्वल टू सेट, जिसमें एलिमेंट से ए, ई, आई, ओ एंड यू, राइट। अब यहां पे ये जो एलिमेंट ए है, ये कौन से सेट को बिलोंग करता है? ए वाले सेट को। तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, जेड डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल ए। तो यहां पे अब ये मैंने लिखवाया क्यों? इसकी जो मीनिंग है, ये मीनिंग होती है बिलोंग्स टू, इसकी जो मीनिंग है ये होता है डज नॉट बिलोंग टू। यस, सो मैं बोल रहा हूं ए बिलोंग्स टू ए एंड जेड डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये था नंबर वन, ध्यान देना। नंबर टू, लिखना मत कुछ भी। नंबर टू, ए एक सेट है जिसमें ए बी सी डी एंड जेड तक जाएगा ये। बी एक सेट है जिसमें ए, ई, आई, ओ और यू। सुन रहे हो बात को, राइट? ए एक सेट है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस पी वी जो भी है पूरा। ठीक है, चलो समझ रहे हो? सर एक बार और दिखा दीजिए, मैंने दिखाया नहीं अभी तक मंगल, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, समझो, लिखना नहीं है, लिखने का टाइम दूंगा। बी में जो है ए, ई, आई, ओ, यू है, इनकी वॉवल्स है, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, बी में ऑल एलिमेंट्स, All elements of B are elements of A. Yes, जो भी vowels है, ये सब alphabet से पहले। See, ये क्या है? ये सिर्फ vowels है, और ये क्या है? ये सिर्फ alphabets है, right? तो जितने भी vowels है, ये सब alphabets है। Yes, बिल्कुल हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, can I say B is subset of A? हमने सब मैट्रिक्स देखा है, उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। क्या बी एक सेट है जो ए में से ही बना हुआ है? सो बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड इन शॉर्ट ए इज सुपरसेट ऑफ बी। यानी कि क्या, ये दो लाइंस की मीनिंग क्या है? बी ए से बना है और बी को मिला के वापस से ए बना हुआ है। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना। वॉवल्स है, वॉवल्स सब मिला के अल्फाबेट्स में आते हैं। समझ रहे हो बात को? यस और नो, राइट। अब लिखना नहीं है, इसी के बेसिस पे और एक कंसेप्ट है, इसी के बेसिस पे और एक कंसेप्ट है, नंबर थ्री। नंबर थ्री, ये कंसेप्ट क्या बोलता है? इफ बी इज सबसेट ऑफ ए बट बी इज नॉट इक्वल टू ए, देन
बी इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर सबसेट, बी इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। सर ये प्रॉपर सबसेट नया क्या चीज है? प्रॉपर सबसेट ध्यान दो, समझाता हूं। नाउ टेल मी वन थिंग, जब मैं बात करता हूं एक सेट है ए जिसमें से 1, 2, 3, 4 और 5 ये वाले एलिमेंट्स हैं। बी एक सेट है जिसमें 1, 2 और 3 ये वाले एलिमेंट्स हैं। अब मुझे बताओ कैन आई से बी है ये सबसेट है और ए जो है ये सुपरसेट है, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, ये ए जो सेट है इस ए में से बहुत सारे सेट बन सकते हैं। एक सेट बन सकता है जिसमें सिर्फ 1 होगा, एक में सिर्फ 2 होगा, एक में सिर्फ 3, एक में सिर्फ 4, एक में सिर्फ 5। ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। क्या एक सेट में 1, 2 बन सकते हैं सिर्फ? यस, जी हाँ। क्या एक सेट में सिर्फ 2, 3 बन सकते हैं? एक में सिर्फ 3, 4 आ सकता है, एक में सिर्फ 4, 5 आ सकता है। ऐसे ही एक में सिर्फ 1, 5, एक में सिर्फ 1, 4, एक में सिर्फ 2, 4, एक में सिर्फ 2, 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ रहे हो बात को? बट एक सेट ऐसा भी बन सकता है जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 ये साथ में भी आ सकते हैं। तो जो हमने थर्ड कंसेप्ट पढ़ा, थर्ड कंसेप्ट जो प्रॉपर सबसेट का है, वो ये बोलता है कि ये जो भी सेट्स है ये सब है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर व्हाई? बिकॉज इन सब सबसेट्स में कम से कम एक एलिमेंट कम है ए से, सबके सब सेम नहीं है। और अगर मैं यहां देखता हूं ये वाले इसमें लास्ट में ये जो हो जाता है ये आपका, ये सिर्फ सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। वाई सबसेट है? बिकॉज ये सेट, ये जो सेट है आपका और जो मेन ए है, ये दोनों में सबके सब एलिमेंट सेम है, सबके सब एलिमेंट्स सेम है। तो कौन सा किसका सबसेट ये नहीं समझेगा। इसके लिए ये जो सेट है ये इसका सबसेट है सिर्फ। और प्रॉपर सबसेट हम कब बोल रहे हैं? जब एलिमेंट्स जो भी होंगे इन सेट्स में ये सब ए में से ही लिए गए होंगे, बट सब इक्वल नहीं होंगे, सेम टू सेम नहीं होंगे। अब यहां पे पढ़ना ये एग्जांपल के बाद, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए बट ए, यू कैन से बट बी इज नॉट इक्वल टू ए। इक्वल मतलब क्या? सबके सब सेम एलिमेंट्स नहीं है बी में, देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर सबसेट। और अगर ये इक्वल होता तो ये सिर्फ सबसेट कहलाता, ठीक है? तीन चीजें हमने देखी है, तीनों भी आपको लिखनी है। पहले में क्या था? बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। दूसरे में क्या था? सबसेट और सुपरसेट। तीसरे में क्या था? प्रॉपर सबसेट। चलो फटाफट लिख लो, कंसेप्ट क्लियर सबको यहां तक? हाँ या ना? इनफाइनाइट एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल से नेचुरल नंबर्स, इसका एंड कहाँ हो रहा है आप काउंट नहीं कर सकते, ये चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। यस मंगल, दिखाता हूं।
सुमित मुझे कैसे समझेगा? आपका नाम जो दिख रहा है मैं वही नाम लूंगा ना? जिनको क्वेश्चन नंबर कंसेप्ट नंबर 3 का एग्जाम्पल लिखना है वो लिख सकते हैं। डन। जिनको इनफाइनाइट वाला पार्ट लिखना है लिख लो। डन। थर्ड वाला कंसेप्ट जिनको देखना है देख लो, इसके बाद स्टॉप करते हैं। देखो थर्ड का जो एग्जाम्पल था
उसको रिपीट कर रहा हूँ। थर्ड का एग्जांपल सिंपली ये था, अगर ए एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे एलिमेंट्स है और बी एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 ऐसे एलिमेंट्स है। अब सबसेट क्या होता है, ये लाइक यहाँ पे बी सबसेट है, बी में जो एलिमेंट्स है ये सब के सब एलिमेंट्स ए से लिए गए हैं, यानी कि ये सब के सब एलिमेंट्स ए में भी दिख रहे हैं, एंड देयरफॉर बी इज अ सबसेट। बट अब मुझे एक बात बताओ, ए के कैसे कैसे सबसेट बन सकते हैं? क्या सिर्फ वन इज अ सबसेट ऑफ ए? बिल्कुल हाँ। सिर्फ टू? यस। 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5 ये सब सबसेट है ए के, बट इसमें एक सेट बन सकता है जो कि 1, 2, 3, 4, 5 सब एलिमेंट्स को इंक्लूड कर सकता है, राइट? और ये जो सेट बनेगा, सपोज बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 और यही ए है, तो जो बी है ये सिर्फ सबसेट बनेगा और बाकी के जो भी है जिसमें एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट कम है ओरिजिनल सेट से, यानी कि ए से, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, लाइव बच वालों, मिलते हैं बीसीआर में।